हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल वर्धन स्टडी में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इलिप्स बनाना सिखाएंगे बाय ओब्लॉग मेथड से। ठीक है, इससे दो वीडियो में हमने पहले इलिप्स आपको कंसेंट्रिक सर्कल मेथड से और इंटरसेक्शन आर्क मेथड से बता दिया था। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देखिए। ठीक है, चलिए हम इसको इलिप्स को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको दो एक्सिस मान लेनी है। अभी के लिए मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस को ए बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, हम यहाँ पर जो ए बी एक्सिस मान ले वो 100 mm ले रहे हैं। ठीक है, 100 mm, और वाई एक्सिस जिसको हम सी डी बोल दे रहे हैं इसको ले रहे हैं हम यहाँ पर 60 mm। ठीक है, ये दोनों एक्सिस आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। क्वेश्चन में दिया कि एक्स एक्सिस इतनी है और वाई एक्सिस इतनी है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम कर रहे हैं चूँकि इलिप्स बना रहे हैं अपना ओब्लॉग मेथड से, तो सबसे पहले आपको 100 mm की एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, यहाँ देखिए हम यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले आपको एक कुछ इस प्रकार ये आपकी 100 mm की एक लाइन हो गई, और इसकी वाई एक्सिस कितनी दी है इसकी ने 60 mm, यानी कि आपको इससे ऊपर की ओर कितना चलना है 60 mm। यहाँ पर ये आपका देगा 60 mm। ठीक है, इससे आपको एक रेक्टेंगुलर बना लेना है 100 by 60 का। ठीक है, इस तरह से आपका एक रेक्टेंगुलर बन चुका है। अब आपको जो यहाँ से यहाँ तक ये अक्षैतिज अक्ष है इसका आपको मिडल पॉइंट ले लेना है। ठीक है, हमने इसका मिडल पॉइंट 50 mm पर ले लिया और इसे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। फिर जो ये लाइन है वाई एक्सिस वाली इसका भी आपको मिडल पॉइंट ले लेना है और इसे एक ऐसे यू लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब इतना करने के बाद यहाँ तक का आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर आपको क्या करना, जो यहाँ से चलिए इसकी डायमेंशन कर दें ए बी, ये आप ए बी ही मान लीजिए अभी के लिए ए बी, और ये आपकी कौन सी है सी और ये डी। ठीक है, अब देखिए ये मिडल पॉइंट इसको 0 मान लीजिए और ओ मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब जो ये वाली डिस्टेंस है ए ओ, ठीक है, इसको आपको बराबर या तो 3 भागों में या बराबर 4 भागों में बांट लेना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो है डिस्टेंस है, चलिए इसको नाप लेते हैं, ये आ रही है हमारी 5 mm है। ठीक है, और जब हम 5 mm इसको हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यानी कि 5 mm को जब हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये आएगी 1.25, यानी कि आपको देखिए 1.25 ये लगभग यहाँ आ जाएगा, ये एक पॉइंट आ गया। फिर इससे आगे की ओर कितना 1.25, ये 1, ये 2.5, ये 1.25, फिर इससे आगे 1.25, ये 2.5। ठीक है, इस तरह से हमने इसको 4 बराबर भागों में बांट लिया 1, 2, 3, 4। इसकी आप नंबरिंग कर दीजिए, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। ठीक है, जिस तरह से हमने ए ओ को बांटा है ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ से यहाँ तक की जितनी ये डिस्टेंस है इसको नाप लेते हैं, यार ये आपकी 3 mm, सॉरी 30 mm। अब 30 mm को आपको 4 बराबर भागों में बांट लेना है। इसके लिए ये आ जाएगी, इसके लिए आपको 0.75, ठीक है, यानी कि 0.75 mm, यानी कि आपको नीचे से ऊपर की कितना चलना 0.75, 5, 6, 7, यानी कि 75, फिर इससे ऊपर की ओर 0.75, यहाँ पर ये आ जाएगा, और फिर इससे ऊपर की ओर ऐसे हमने इसमें ये नंबरिंग कर ली है। ठीक, इसमें आप चाहे तो इसका डायमेंशंस कर सकते हैं, इसको 1-2-3- कर लीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद फिर जैसे हमने इधर ये डायमेंशंस बनाई है ठीक इसी प्रकार हम इधर भी डायमेंशंस ये बनाकर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, इसी तरह से जिस तरह से हमने इधर ये डायमेंशंस बनाई थी इधर ही हमने इधर ये डायमेंशन ली है, यहाँ से यहाँ तक कि 1.25 mm की दूरी पड़ ली है और इधर ये 0.75 mm की दूरी पड़ ली है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, अपनी फ्री हैंड स्केल ले लेनी है और फ्री हैंड स्केल से आपको क्या करना है 1-2-3- को पॉइंट सी से मिला देना है, ज्वाइन करा देना है। ठीक है, इस तरह से
इस तरह से। अभी के लिए आपको लाइट पेंसिल से बना देना है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको ज्वाइन करा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे इधर ज्वाइन कराए ऐसे ही इधर से ज्वाइन करा देते हैं। वन डैश को सी से, फिर टू डैश को सी से, फिर थ्री डैश को भी सी से ही ज्वाइन करा देते हैं। फिर इतना कराने के बाद फिर आपको क्या करना है, डी से वन डैश को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, डी से वन डैश को मिलाते हुए ऐसे। और देखिए हम वन से मतलब कि वन जो हमारा पॉइंट वन है इससे क्रॉस होते हुए ले जाएंगे तो अगली जो लाइन होगी वो हम वन डैश पर ही रोक देंगे। ये आ गई हमारी वन डैश, ठीक है। क्योंकि हमने जो अपनी लाइन क्रॉस कराई है वो वन से कराई है और वन डैश पर ही रोक दी है, ठीक है। ये भी आपको डार्क पेंसिल से सॉरी लाइट पेंसिल से ड्रॉ करना है। और हम जो ये दूसरी लाइन क्रॉस कराएंगे वो टू से कराएंगे और टू डैश पर, टू डैश वाली लाइन पर रोक देनी है ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार इस थ्री वाली को भी करते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक। जैसे इधर किया ऐसे ही इधर कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ी ये डायमेंशंस गलत हो गई थी तो आप इसको वन डैश टू डैश थ्री डैश कर लीजिए, ठीक है। फिर ऐसे इसको आप ज्वाइन कराते चलिए, वन डैश को वन वाली लाइन से ऐसे, फिर टू डैश टू वाली लाइन को टू डैश से ऐसे, फिर थ्री वाली लाइन को थ्री डैश से ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आपके पॉइंट मिल गए। कौन कौन से, एक ये वाला पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, और एक ये आपका है ये, ठीक है। इस तरह से आपके ऊपर पॉइंट बन चुके हैं, ठीक। इसी प्रकार हमको नीचे भी पॉइंट बनाने हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको अपनी फ्री हैंड स्केल ले लेनी है और इससे ऐसे यूँ नीचे की ओर लाइन ड्रॉ कर देनी है लाइट पेंसिल से, ठीक है। यानी कि आपको इसका नीचे की ओर प्रोजेक्शंस ले जाना है, जिस तरह से मैं ले जा रहा हूँ आप भी ठीक इसी तरह से ले जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना, अपनी फ्री हैंड स्केल ले लेनी है, सॉरी आपको अपना प्रकार ले लेना है। ये मेरे पास प्रकार है और आपको देखिए आपको जो अपने प्रकार की नोक रखनी है वो यहाँ इस पॉइंट पर प्रकार की नोक रखनी है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लेनी है, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पर लेकर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से यहाँ तक की हमने इसमें डिस्टेंस ले ली, ठीक है। इस तरह से देखिए हमने इसमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली है और ये प्रकार की नोक यहीं इसी पॉइंट पर रखिए इस तरह से, और पीछे की ओर एक आर्क लगा दीजिए जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है। इस तरह से आपका ये आर्क पॉइंट मिल चुका है, ठीक है। फिर यहाँ इस पॉइंट पर अपने प्रकार की नोक रखिए और यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए, यानी कि टू डैश वाली जो लाइन है यहाँ तक की आपको डिस्टेंस ले लेनी है और पीछे की ओर एक ऐसे यूँ आर्क लगा देना है। इस तरह से आपका दूसरा पॉइंट मिल चुका है, ठीक। इसी तरह से इस वाले पॉइंट पर रखिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए। ये हमने यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली और पीछे की ओर एक ऐसा यूँ लाइन आर्क बना दीजिए, ठीक है। ऐसे ये आपका पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पर भी एक पॉइंट ये आ चुका है आपका, एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इधर भी हमें ऐसे ही कर लेते हैं, कैसे यहाँ प्रकार की नोक रखी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले ली, ये आ गई, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फिर और उससे पीछे की ओर प्रोजेक्शन लाइन काट दी, फिर सेकंड वाली लाइन पर यहाँ से यहाँ तक की हमने डिस्टेंस ली ऐसे और पीछे की ओर लाइन ड्रॉ कर दी, यानी कि आर्क लगा दिया। इसी प्रकार हमने तीसरे वाला किया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली प्रकार में अपनी और पीछे की ओर आर्क लगा दिया। इस तरह से आपके पॉइंट मिल चुका, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है, और आपका एक पॉइंट ये मिल चुका है यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉइंट है ये। अब आपको क्या करना है, अपनी डार्क पेंसिल से, ठीक है,
इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कराते हुए एक इलिप्स इलिप्स बना देना है। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट करिए, जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी ऐसे ही बनाइए, आपके इलिप्स बहुत अच्छा बनेगा, आप हमसे भी अच्छा बना पाएंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये ऐसे आपको सभी के सभी पॉइंट्स ज्वाइन कराते हुए चलना है। ठीक है, इस तरह से, और इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आपका जो ये अंडाकार का जो ये गोला बना है यही आपका इलिप्स बनकर तैयार हो चुका है बाय ओब्लॉग मेथड से। ठीक है, अब अगर आप चाहे तो इसकी डायमेंशंस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का हमने कितना लिया था, ये लिया था हमने 100 mm, इस तरह से ये आपका कितना हो चुका है 100 mm। ठीक है, और इसी तरह से आप इधर का भी डायमेंशन शो कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस आपने लिया है ये आपने लिया है 60 mm। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका एलिप्स बनकर तैयार हो चुका है, एलिप्स बाय ओब्लोंग मेथड। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके जो इलिप्स है वो तीनों मेथड से हमने इलिप्स आपके कंप्लीट करा दिए। ठीक है, इससे अगली वीडियो में हम आपको जो आपका पैराबोला होता है बाय रेक्टेंगुलर मेथड और बाय टेंजेंट मेथड, उससे वो उसकी ड्राइंग बताएंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।